now please see this question. If the radius of a circle, अगर ये जो सर्किल की इक्वेशन दी हुई है इसमें आपका रेडियस ऑफ ए सर्किल इज आपका नाउ मेरे हिसाब से इसको देना चाहिए था यहाँ पे इक्वल इस 11 दिया हुआ है देन के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है आपका नाउ देखो दिस इज 12 देखो सॉल्यूशन में द गिवन इक्वेशन ऑफ ए सर्किल इज क्या है जरा देखिएगा नाउ व्हाट इज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 12y और प्लस k इज इक्वल टू 0 ये है क्या और एक चीज आपका नाम ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड रेडियस r इज इक्वल टू आपका नाम सॉरी नाउ रेडियस r इज इक्वल टू आपको 11 ये भी आपको गिवन दिया हुआ है इज इट क्लियर Which format it is? This is the general equation, not the standard form. बार बार आपको कि general equation में आपका देखो फिर उसमें कहीं मैंने गलत ना किया हो ax square नहीं होता है x square plus वो काट दीजिएगा plus 2gx plus 2fy और plus c is equal to 0 होता है तो ना ये इस compare with general equation of a circuit a general equation circuit is apna dekho x square plus y square plus 2gx or plus 2fy or plus c is equal to 0 hota hai apna dekho this a nahi hota ax square by by square hota x square plus y square hota hai hume x and x ko you compare compare for apna dekho x x को आपने कंपेयर किया देखो x x तो देखो माइनस 18 इज इक्वल टू आपका देखो 2c तो c इज इक्वल टू माइनस 18 बाय 2 देखो माइनस है कंपेयर 4y y y को कंपेयर करिए आप देखो तो 2f ना देखो तो 2f इज इक्वल टू आपका कितना बढ़ रहा है f इज इक्वल टू 12 बाय 2 आपका देखो माइनस 6 तो therefore सेंटर ऑफ ए सर्किल फॉर्मूला क्या होता है माइनस सी और माइनस एफ होता है माइनस देखो माइनस माइनस नाइन हो गया आपका देखो माइनस और ये आपका ये सिक्स हो गया ये तो ठीक है माइनस माइनस का प्लस नाइन एन माइनस सिक्स ये आपका सेंटर ऑफ ए सर्किल क्लियर हो देखो अब रेडियस रेडियस आर को फाइंड आउट करने के लिए व्हाट फॉर्मूला यू हैव टू यूज यू हैव नंबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी R is given 11. 11 is equal to आपका देखो ना G is what? 9 का स्क्वायर and plus minus 6 का स्क्वायर और ना constant term C constant sum C is equal to आपका देखो K. In place of C you have kept आपका ना देखो C is equal to K. Okay? 11 is equal to this is 81 or plus 36. If any negative number has an even power, आंसर इज ऑलवेज आपका देखो ना पॉजिटिव हो जाता है माइनस थ्री ठीक है ये स्क्वायर रूट के अंदर होगा 11 इज इक्वल टू 81 967 11 देखो ठीक है 120 और सॉरी 11 देखिए तो अभी तो देखो माइनस थ्री अब आपका देखो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स व्हाई वी डू दिस टू रिमूव द स्क्वायर रूट 11 का भी स्क्वायर हो जाएगा एंड देखो का 170 माइनस के का भी स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा कैसे स्क्वायर रूट विल बी कन्वर्टेड इनटू आपका देखो ऐसे स्क्वायर कर स्क्वायर इनटू देखो 2 और स्क्वायर रूट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1 बाय 2 आपका देखो ये ऐसे के लिए 121 इससे कौन आपका देखो ना 117 माइनस के स्क्वायर रूट कैंसिल हो के विल कम हियर तो नाउ के इज इक्वल 170 minus 121 therefore the value of k is minus 4 third option so the first option आपका देखो now second option now the third option and now the fourth option आपका देखो सर्किल आपका नाम the fourth option आपका नाम है it is a right option
is it clear? It is a correct answer. Now look at this image. सॉल्यूशन नंबर टू भी आपको बता दे रहा हूं. कह रहा प्रूव दैट द रेडाई ऑफ ए सर्किल, ये दिया एक फर्स्ट. देखो इसका रेडाई निकालना है, इसके भी रेडाई निकालना है, इसके भी रेडाई निकालना है, और उसके बाद क्या ये एपी में है ये आपका शो कर रहा है. तो देखो जो वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सर्किल आपका नाम ये गिवन है. आपका देखो एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस देखो वाई माइनस आपका देखो ये जीरो का स्क्वायर ऐसे वाला आपका देखो रेडियस का स्क्वायर. एक्चुअल में दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आपका बेसिकली अगर आप देखेंगे देखो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर ऐसे वाला आर का स्क्वायर. R square आपका देखो इसे बड़ा वन, आपका देर फोर आर इसे बड़ा का प्लस माइनस वन, तो आर इसे बड़ा प्लस वन ही लेंगे क्योंकि रेडियस इज नेवर टेकन नेगेटिव. नेगेटिव कभी भी आपका नाम लिया नहीं जाता है. क्लियर हो गया? नाउ सेकंड देखिए, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस सिक्स वाई और माइनस सिक्स इज इक्वल टू. This is the general equation. General. So this one is compared with general equation x square plus y square plus 2gx plus 2fy or minus sorry plus c is equal to 0. Is it clear? So this one. A. Compare. X को कंपेयर करें तो x x 2c इसे बोलो माइनस 2, तो c इसे बोलो माइनस 2 बाय 2 माइनस 1 शॉप फिर उपी कंपेयरिंग 1 इधर y को कंपेयर करें देखो आपका तो ना 2f इसे बोलो माइनस 6 तो देखो f इसे बोलो माइनस 6 बाय 2 माइनस 3 होगी. Is it clear? So now, therefore, center of what you have minus c or minus f होते हैं, तो देखो minus का plus और देखो ये भी minus है, minus का plus है. तो therefore, अब radius निकालेंगे, तो radius r is equal to what you have देता है, g square plus f square का minus c. g square क्या होगा? 1 का square और plus आपका देखो 3 का square और minus c कहाँ है? C is equal to constant and constant is equal to minus 6. ठीक हो गया? तो आप देखो R इसको बल्कि यहाँ पे radius R1 कर दो, इसको R2 कर दो, आप देखो R2 कर दीजिए इसको, तो आपका कितना हो गया 9 plus 1 8 minus 6 R2 इसको बड़ा आपका कितना हो गया 4x again comparing with general equation x square plus y square plus 2gx plus 2fy or minus c is equal to 0. ठीक है ना? तो आपका जो अब आपका फर्स्ट x x को कंपेयर कर दीजिएगा, तो 2g is equal to minus 4 तो दो, तो c is equal to minus 4 by 2 minus 2. दूसरा देखिए आपका y y को आप कंपेयर करेगा, तो 2f is equal to minus 12
f is equal to minus 12 upon 2. आपका कितना हो गया? Minus 6. Okay? और third, constant आपका क्या? Constant. C is equal to आपका minus 9. Minus C, minus minus का less हो गया. ये जरूर देख लीजिएगा कहीं मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ. ठीक है? खाली मेरी गर्दन में हाँ नहीं मिला. ये आपका देखो, ये ठीक है दीदी, ये प्लस होता है. हाँ, इसीलिए बहुत बारीक नजर. तो देखो ना, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है? माइनस सी और माइनस एफ. माइनस माइनस का प्लस और माइनस माइनस का. रेडियस आर टू आपको निकालना है. आर टू हो गया तो आर थ्री निकालते हैं. क्या जा रहा है? तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस जी का टू का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर और माइनस 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 का प्लस माइनस. आर थ्री इज इक्वल आपका फोर प्लस 36 और प्लस 9. कॉमन डिफरेंस किसी को आपका क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है. कॉमन डिफरेंस यानी किसका होता क्या होता है? ए टू माइनस ए इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू हो गया. क्लियर? दिस इज ए ए ए टू ए थ्री हुआ जब आपका. इज इट क्लियर? ठीक है. सुना इसका होता ए आपका कितना? आर वन कितना था? आर वन जरा देखिएगा क्या है? वन. आर टू कितना था? फोर. और आर थ्री कितना था? सेवन. ठीक हो गया. तो देखो आप कैसे फोर माइनस वन इज इक्वल सेवन माइनस थ्री इज इक्वल थ्री हो गया. या आप इसमें और क्या कर सकते थे? देखो ना, देखो क्या कर सकते हैं. देखो ए टू इधर आएगा तो टू ए टू इज इक्वल ए थ्री प्लस ए. तो ना ए टू इज इक्वल आपका ए थ्री प्लस ए बाई टू भी कर सकते थे आप. ए टू आपके पास क्या था? देखो अगर ऐसे नहीं करते तो फोर इज इक्वल टू आपका ए थ्री सेवन प्लस वन अपॉन टू फोर इज इक्वल टू. अभी वैसे ही आगे देखो आपका तो फोर इज इक्वल आपका क्या होगा? फोर इज सेवन प्लस वन बाई टू. ये आपका ए बी में आपका ऐसा होगा. इज इट क्लियर?